শ্ৰীনিবাস বিবি ডাঙৰীয়া ইয়াত বদৰপুৰ সমষ্টিত ফ্লাড ৰিলিফৰ কাম কৰিছে, বৰখলা সমষ্টিত ফ্লাড ৰিলিফৰ কাম কৰিছে। যোৱাকালি আমি শিলচৰত কৰিছোঁ, হাইলাকান্দিত কৰিছোঁ আণ্ডাৰ দ্য লিডাৰশ্বিপ অফ শ্ৰীনিবাসজী। এটা কথা হৈছে যে ইমান অসুবিধাত মানুহসকল আছে, কিন্তু চৰকাৰে ইমান প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে, বানমুক্ত অসমৰ কথা কয়, কিন্তু আজি কি পৰিৱেশ হৈছে! আজি কিমান মহিলা আমি টিনেজাৰ ছোৱালী লগ পাইছোঁ, পিৰিয়ডছ হৈছে, মেনচুৰেশ্যনৰ কাৰণে হাইজিনৰ কাৰণে একো নাই। আমাৰ ইউথ কংগ্ৰেছে চেনিটেৰী পেডছ প্ৰভাইড কৰিছে। চৰকাৰে বেটি পঢ়াও বেটি বচাও বুলি ক'লে হ'ব নেকি? এতিয়া ফিমেল হেল্থৰ কাৰণে চিন্তা কৰা নাই? আমি এই চৰকাৰখনৰ যে মিছা প্ৰতিশ্ৰুতি কেৱল শ্লোগান সেইটোতে সীমিত থাকে সেয়া আমি গম পাইছোঁ। আৰু ৰাইজ যিটো অসুবিধাত আছে ন, আহি পেলাই চৰকাৰে কিবা এটা চিন্তা কৰিব লাগে। আমাৰ ইউথ কংগ্ৰেছে ইয়াত ৰিহেবিলিটেশ্যনৰ কামো কৰিব, আৰু আমি ৰাইজৰ লগত একদম একেলগে আছোঁ। আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট কাছাৰ আৰু হাইলাকান্দি আৰু কৰিমগঞ্জ তিনিটা ডিষ্ট্ৰিক্টতে ইউথ কংগ্ৰেছৰ প্ৰেচিডেণ্ট, ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট, জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী, এভৰি ৱৰ্কাৰে কুকড ফুডৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ড্ৰিংকিং ৱাটাৰ ফেচিলিটি চব দিছে। আজি শিলচৰৰ টাউনৰ কি অৱস্থা হৈছে! শিলচৰ টাউনত ক'লা ক'লা পানী আহিছে, মানুহৰ খাবলৈ পানী নাই। হোৱাট ইজ দ্য গভৰ্ণমেণ্ট ডুইং? ছেনিটাইজেশ্যন হৈছে নেকি তাত? এতিয়া আফটাৰ মানে ফ্লাড, মানে যাতে ডিজিজ নহয়, যাতে বেমাৰ নহয় মানুহখিনিৰ কাৰণে, সেই শিলচৰ টাউনত কিবা মানে ছেনিটাইজেশ্যন হৈছে নেকি? কি কৰিছে, কি চিন্তা কৰিছে এই চৰকাৰখনে? কেৱল পাব্লিচিটি ষ্টান কৰিলে নহ'ব নহয়, কেৱল পি আৰ এক্টিভিটি শিলচৰ টাউনত আহি পেলাই কৰিলে নহ'ব নহয়। इस इलाका में 70% के अधिक पानी भरा है, 150 के अधिक लोग मरे हैं, हजारों की संख्या में घर डूब गया है पानी में। बट सरकार डबल इंजन सरकार कहती है, सरकार की तरफ से जो सहूलत देने का था और बाढ़ सामग्री दे सकते थे वो नहीं दे पाया है। मैं सबसे बड़ा जो आपदा है, डिजास्टर, मैं बीजेपी गवर्नमेंट को कहता हूँ, ये मैं तो विष्णु शर्मा को कहता हूँ, सबसे बड़ा जो डिजास्टर है। अभी भी आप लोग समझो, मैं केंद्र सरकार का जो इनके यूनियन मिनिस्टर से, मैं उनसे भी गुजारिश करता हूँ, आप हो गया बहुत हो गया, आप लोग ने जो यहाँ बाढ़ आए थे तब सरकार बनाए, यहाँ वहाँ का विधायक लेके यहाँ लेके आए, आसाम में सरकार बनाई, ठीक है, अभी तो आ जाओ आप लोग। ये केंद्र मंत्री नहीं आ पाया अभी तक, क्या कर रहा है? मैं इसीलिए बोला ये सबसे बड़ा डिजास्टर ये बीजेपी गवर्नमेंट है। आप एटलीस्ट इन लोगों को मकान बना के, किस लेवल पे कौन सा मकान बना के दे रहा है, इनका राशन किस लेवल पे, सामग्री क्या दे रहा है, जो मौते हो गया उनके घर गवर्नमेंट का नौकरी किस इसमें दे रहा है, तो ये तो प्रॉमिस तो करना चाहिए सरकार को। सरकार इस तरीके की बात को कोई एक भी नहीं कर रहा है। मैं यूथ कांग्रेस अंकिता दत्तो और सारे हमारा जिला अध्यक्ष सबको मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। 15 दिन से लगातार हमने अपोजिशन, हमने ये नहीं कह रहे हमने वो किया ये किया, बट हमारा कितना क्षमता है, कांग्रेस पार्टी, युवा कांग्रेस, सारे संगठन मिलके लोगों को सेवा करने का काम हम कर रहे हैं, बट इनका डबल इंजन किधर है? हाँ, एक इंजन भी नहीं है। आप जो ऐड करना इवेंट मैनेजमेंट, ये बाढ़ को भी इवेंट मैनेजमेंट बना के रख दिया बीजेपी सरकार ने, ये बंद करो, लोगों को सेवा करने का काम करो। जब तक नहीं करेगा तब तक हम लोग ने इस बात को हमने सही नहीं करेंगे। हम क्या केंद्र इनका मंत्रिमंडल से भी उनको भी लेटर लिखेंगे, जो आदेश अनुसार था राहुल गांधी जी का, सबका यहाँ लोगों के सेवा करने का, वो हम जारी रखेंगे। रिहैबिलिटेशन अभी पहले रेस्क्यू हुआ, बाद में रिलीफ और कभी भी चल रहा है, बाद में जो रिहैबिलिटेशन हो रही हम उसमें भी लोगों को सेवा करने का काम अंकिता दत्तो जी के नेतृत्व में हम करेंगे।